नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिन्हा। हमारे खास प्रोग्राम का कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 18 मार्च 2012 को महाराष्ट्र के पुणे में दिया। अपने भाषण में मोदी ने कहा कि भविष्य में डेवलपमेंट तीन मेजर पिलर पर होगा, जिसमें एक है आईटी सेक्टर, दूसरा बायोटेक्नोलॉजी और तीसरा एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी। इन तीनों पिलर पर नई दुनिया बसने वाली है और इसीलिए हमें हमारे सारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को इन तीन मूलभूत साइंस के आधार पर डेवलप करना होगा। ये बात सही है आपकी कि जिन्होंने पहले गुजरात देखा है और आज के गुजरात में ग्रीनरी के संबंध में बहुत ही बदलाव आपको नजर आएगा। इवन कच्छ जो एक रेगिस्तान माना जाता था और हमारी तो गुजरात की स्थिति ऐसी है कि यहाँ रेगिस्तान है उधर पाकिस्तान है। आज आपको हैरानी होगी जानते दोस्तों कि कच्छ जिसकी पहचान रेगिस्तान, आज हम वहां से मैंगो एक्सपोर्ट करते हैं कच्छ। और हॉर्टिकल्चर में आज कच्छ लीड कर रहा है जो कोई सोच नहीं सकता है। तो एक बहुत बड़ा बदलाव आया है एग्रीकल्चर सेक्टर में। हमने बहुत यूनिक काम किए हैं, जैसे हमारे यहाँ ये मुंबई से सटा हुआ इलाका है जो वलसाड़ जिला जिसको कहें डांग जिला, किसी जमाने में गोवा काजू की खेती के लिए मशहूर था। आज हम उतने ही काजू यहाँ ट्राइबल बेल्ट में हमारे ट्राइबल फार्मर पैदा करते हैं। अगर आज यूरोप के किसी देश में आप सब्जी खाते हैं और उसमें भी अगर भिंडी की सब्जी खाते हैं यूरोप का कहीं पर भी, आप विश्वास कीजिए वो गुजरात से गई है। आप अफगानिस्तान कभी जाने का मौका मिले और टमाटर खाएं तो समझ लेना वो मेरे यहां से आना। और सिंगापुर में अगर चाय पीते हैं तो मन लेना कि दूध मेरे गुजरात से आया। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो कोई सोच नहीं सकता, इतना सारा काम वहां हुआ है। शहरों में ग्रीनरी, उस पर भी काफी बल दे रहे हैं। गुजरात में 1600 किलोमीटर समुद्री किनारा है और इस भूमि को बहुत संकट माना गया कि हवा का कोई उपयोग नहीं, पानी का कोई उपयोग नहीं, जमीन का कोई उपयोग नहीं और ज्यादातर हमारा सौराष्ट्र खाली हो जाता था। और उसी मुसीबतों में से ये तंती परिवार पैदा हुआ है क्योंकि उनको था कि वहां कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए वो छोड़ दिया, भाग गए वहां से। और ऐसे नहीं कई परिवार भाग गए, खाली हो गए। आज स्थिति बदल चुकी है। आज हमारा वो समुद्र किनारा गुजरात की समृद्धि का प्रवेश द्वार बना है। आपके भी जितने इंस्टॉलेशन है वो उसी समुद्र किनारे, यानी जो कभी बोझ लगता था वो आज अवसर बन गया है। पोर्ट सेक्टर, हम हिंदुस्तान के प्राइवेट कार्गो का 80% कार्गो हैंडल करते हैं गुजरात के समुद्र तट। अब धीरे धीरे हम टूरिज्म पर बढ़ावा दे रहे हैं। गुजराती आर बेस्ट टूरिस्ट। आप कहीं पर भी जाइए आपको केम छो बोलने वाला मिलेगा। फाइव स्टार होटल में भी अपना डिब्बा खोल के खाखरा निकालता हूं। लेकिन गुजरात वॉज नेवर ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन। गिर के लायन, गांधी, सोमनाथ, द्वारका, कच्छ का रण, समुद्र किनारा सब होने के बाद भी
उस दिशा में कभी प्रयास नहीं हुआ। पिछले कुछ समय से हम कोशिश कर रहे हैं और श्री अमिताभ बच्चन जी आपके घर आकर के बार बार कहते हैं कुछ तो और उसका नतीजा यह हुआ है हमारा टूरिज्म सेक्टर इन दोनों 40% ग्रोथ है। बिगिनिंग है इसलिए होना, लेकिन आगे चल के बहुत ग्रो करेगा ऐसा मेरा विश्वास है। गिर लायन की तरफ एक बहुत बड़ा आकर्षण हुआ है, उस क्षेत्र में काफी नया इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, बहुत बड़े होटल चेन्स आ रहे हैं, तो एक अपने आप में एक अच्छा नया क्षेत्र गुजरात में विकसित हो रहा है। और ये समुद्र किनारा हमें उसी प्रकार से हमें गोगा दहेज फेरी सर्विस शुरू कर रहे हैं और आगे चल के समुद्री किनारे से हम ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देना चाहते हैं ताकि वो भी एक प्रकार से कार्बन न्यूट्रल मूवमेंट को बल देने वाली बात है जो हम करना चाहते हैं। आपने शांघाई वगैरह सुना है कि शांघाई ऐसा शांघाई वैसा, हर कोई शांघाई की बात करता है, डबल देन द शांघाई उस साइज का हमारा धौलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन बन रहा है, हमारा गिफ्ट सिटी नया जो बन रहा है और न्यू गुजरात विद इन गुजरात एक पूरा हम नया कंसेप्ट लेकर के काम कर रहे हैं। दूसरा जैसे न्यूयॉर्क न्यूजर्सी की चर्चा होती है तो वैसे हम ट्विन सिटी कंसेप्ट को डेवलप कर रहे हैं, जैसे सुरेंद्र नगर वढ़वान है, अहमदाबाद गांधीनगर है, सूरत नवसारी है, बड़ौदा हालोल है, भूज माधापर है, यानी एक ट्विन सिटी कंसेप्ट को लेकर के चलते तो दो शहरों के बीच का जो नया एक शहर बनेगा तो काफी यानी बहुत ही अग्रेसिवली हम उस दिशा में काम कर रहे हैं और हो सकता है कि बिल्कुल 21वीं सदी के आधुनिक शहरों का जन्म वहां होगा। और हमें इस बात का गर्व है कि 5000 साल पुराना एक प्लान अर्बन डेवलपमेंट का मॉडल अगर कोई है तो धौलावीरा है, तो उसी कड़ी में 5000 साल से लेकर के आज तक का डेवलपमेंट का मॉडल एक पूरा लिंक करते हुए हम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तब मैं लवासा देखने गया था, उसके पीछे मेरा एक रीजन वही था, वो भी मेरा स्टडी टूर था, कल 2-3 घंटे में वहां था, तो हम उसी को उसी अनेक ऐसे चीजें हैं जिसको हम करने की दिशा में काम कर रहे हैं। और ये बात सही है कि हमने अच्छा तो सिटी के मॉडल भी कुछ अलग होंगे, अब नए जो होंगे, जैसे हमारे यहाँ एक नगर में क्लस्टर हुआ करते थे सदियों पहले कि एक ही प्रकार की इकोनॉमिकल एक्टिविटी करने वाले लोग एक मोहल्ले में रहते थे, अगर मोची होंगे तो सब एक साथ रहते थे, कुम्हार थे तो एक साथ रहते थे और वो एक प्रकार से क्लस्टर कंसेप्ट था इकोनॉमी का क्लस्टर, क्योंकि पास पास में एक ही प्रकार के काम में एक दूसरे को पूरक करते थे। अब नया जो मॉडल बन रहा है वो एक ही प्रकार की एक्टिविटी के शहर बनेंगे, जैसे हमारा गिफ्ट सिटी बन रहा है तो टोटल फाइनेंशियल एक्टिविटी का शहर होगा, हमारा ये धौलेरा बन रहा है तो टोटली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शहर होगा, नॉलेज सिटी होंगे, हेल्थ सिटी होंगे, स्पोर्ट्स सिटी होंगे, ये एक नया ट्रेंड होगा और गुजरात शायद उसमें लीड करेगा। और नॉट ओनली दैट हमारा एक कल्चर प्रोजेक्ट बन रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड स्वीट वाटर लेक हम बना रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा, और समुद्र के अंदर एक 64 किलोमीटर लॉन्ग हम बड़ा डैम बनाने जा रहे हैं, अभी उसके भिन्न भिन्न सर्वे चल रहे हैं, उसमें मैंने एक काम तुलसी भाई को दिया जो 64 किलोमीटर लॉन्ग हमारा समुद्र में डैम बनेगा तो उसी के तहत अंदर हम ऑफशोर विंड एनर्जी को काम कर सकते हैं। समुद्र के अंदर हाईएस्ट लेवल होगा आपके प्लांट की साइज के हिसाब से, एक बहुत बड़ा काम हम उस दिशा में कर रहे हैं। अभी फ्रांस ने कुछ नई टेक्नोलॉजी टाइडल एनर्जी के लिए शुरू किया है रिसर्च, मैंने उसके प्रेजेंटेशन देखे हैं, मैंने उनके आग्रह किया है कि एक पायलट प्रोजेक्ट मेरे यहाँ करे, लेकिन अब मुझे सोचना यह है कि हिंदुस्तान के भविष्य के लिए सामुद्रिक व्यापार में गुजरात लीड करेगा, क्योंकि हमारा पूरा हिंटरलैंड पूरा नॉर्दर्न बेल्ट जो है
उसका नजदीक का अगर कोई पॉट सेक्टर है तो गुजरात है, और सबसे बड़ा एक्टिविटी चलने वाली है, तो मेरा सामुद्रिक ट्रैफिक बहुत होगा। अगर मेरे वेसल से इतने हजारों के तादाद में आते हैं आज से 20 साल बाद 25 साल बाद, तो वहां टाइडल प्रोजेक्ट कहीं उसके लिए रुकावट ना बन जाए। तो मैं, मेरी पहली प्रायोरिटी है पूरे भारत के व्यापार के उपयोगी सी रूट का बिजनेस को डेवलप करना, और उसमें अगर जगह बचेगी देन वी विल गिव ए चांस टू द ट्राइडल एनर्जी। तो ये सोच है मेरी, मोटी मोटी सोच है, कोई मैं बड़ा एक्सपर्ट नहीं इस दिशा में, आप जैसे एक्सपर्ट की मदद लूंगा इसमें करते समय। हमने आने वाले दिनों में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर बहुत बल दिया, मैं एग्री विथ यू, और हमारी जो ट्रेडिशनल पद्धतियां है उससे काम चलने वाला नहीं है, हमें फ्यूचर विजन के साथ करना होगा, और उस दिशा में गुजरात इन दिनों काम कर रहा है। और मैं मानता हूं भविष्य का डेवलपमेंट के 3 मेजर पिलर होने वाले, एक आईटी जिससे हम परिचित हैं, दूसरा बीटी बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक साइंस, और तीसरा ईटी एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी। आईटी बीटी एंड ईटी, इन 3 पिलर पर नई दुनिया बसने वाली है, और इसलिए हमारे सारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को इन 3 मूलभूत साइंस के आधार पर हमें डेवलप करना होगा। गुजरात ने उस दिशा में काफी सोचा भी है, और मैं आज आपने सवाल पूछा तो मेरे मन में सुझाव है तुलसी भाई के लिए, एक हम बच्चों के लिए वीडियो बना करके रेगुलरली हर 3 महीने में वीडियो कोर्स कैसे हो, जिससे वो कार्बन न्यूट्रल सोसाइटी, लाइफस्टाइल कैसे बदलना, और नेचुरल रिसोर्स को किस प्रकार से यूज करना, व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस प्रकार का एक एजुकेटिव कैंपेन थ्रू वीडियो एंड इंटरनेट ये और सोशल मीडिया हम कर सकते हैं क्या? तो आपके यहां से ये करना मुश्किल काम नहीं है, अगर हम ये कर रहे तो मैं समझता हूँ ये ग्रास रूट लेवल पे हम इसको डेवलप कर सकते हैं, लोगों का इससे इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। और मित्रों, जब आपने पूछा है कि इस दिशा में कहा, गुजरात ने ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की दुनिया में कई नए इनिशिएटिव लिए। अब जैसे मैं जब आया था इस नौकरी पर तब मेरे यहां 11 यूनिवर्सिटी थी, आज 43 यूनिवर्सिटी। और हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पे काम कर रहे हैं। मैं मानता हूं ये सरकार ने ही सब करना चाहिए, सोच ही गलत है, ये सारी मुसीबतों का कारण वही है। तो हमारी कोशिश है कि भाई जन सामान्य की शक्ति को जोड़ना, और गुजरात ने ऐसी यूनिवर्सिटीज बनाई हैं, हमारे देश में मीडिया को तो समय नहीं है क्योंकि उनको बहुत काम रहता है, ऐसी चीजें आप तक नहीं आती होगी, उनके काम के प्रायोरिटी अलग है। जैसे मेरे यहाँ एक फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, वी आर फर्स्ट इन द वर्ल्ड जिसने फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई, दुनिया में जितने भी इस क्षेत्र में काम करने वाले देश हैं वे उसके पार्टनर बने, चाहे इजराइल हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जिसने इस दिशा में पहले काम किया हो, और वी आर फर्स्ट इन द वर्ल्ड। उसी प्रकार से हमने रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी बनाई, वी आर फर्स्ट इन इंडिया। आज क्या होता है हमारे यहाँ, जिसकी साइज 6 फुट है जरा दौड़ सकता है तो पुलिसमैन बन जाता है, 6 महीने ट्रेनिंग होती है और उसके हाथ में बंदूक आ जाती है, कानून उसके हाथ में आ जाता है। हम चाहते हैं कि इस प्रकार के बजाय ह्यूमन रिसोर्स डेवलप हो, देन ही शुड डिसाइड टू गो इन द डिफेंस फोर्सेस। तो मैं अभी ग्रेजुएशन वगैरह इसी में करवा रहा हूं, और एक बार वो उस फील्ड में ग्रेजुएट करेगा फिर वो अपना सिक्योरिटी फोर्सेस में जाएगा, या वो अपनी प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी चलाएगा, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी चलाएगा, एंड टॉप क्लास मैन पावर हम इस दिशा में तैयार करना चाहते हैं।